आदिलाबाद टाउन में चलाए जा रहे खैबागिरी के अड्डे पर पुलिस ने 25 जुलाई की शाम धावा मारते हुए 3 मर्द और 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया है। ये इतला डीएसपी आदिलाबाद पी ओमेंदर ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि शहर के आरके कॉलोनी में वाक़ एक मकान किराए पर लेकर फहाशी का अड्डा चला रहे थे। मस्कुरा धंधा करने वाले अफराद में से ही एक शख्स ने एक मौजिफ मुलाजिम को फहाशी के अड्डे पर ले जाकर बरहना हालत में तस्वीरें ले ली और उसी शख्स को ब्लैकमेल करते हुए मोटी रकम का मुतालबा करने लगे। मौजिफ मुलाजिम ने यह शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी, जिसके बाद पुलिस ने धावा मार कर फहेश काम में मुलविस सभी को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। डीएसपी ने आदिलाबाद के अवाम को मशवरा दिया कि वह मकानात किराए पर देते वक्त किराएदार की गहराई से तफ्तीश के बाद ही उन्हें मकानात किराए पर दें। अगर किसी मुकाम पर खैबागिरी के अड्डे चलाए जा रहे हैं तो पुलिस को इतला दें, वरना उन मकान मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मकानात को मुखफल कर दिया जाएगा। అతని దగ్గర 3000 రూపాయలు ఉన్నాయి. ఆ 3000 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మిగతా 37000 రూపాయలు తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చి తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు, మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు, కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇమీడియట్గా ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ అండ్ వాళ్ళ టీం అందరు కలిసి మహిళా కానిస్టేబుల్ అందరు కలిసి రైడ్ చేయడం జరిగింది. చేసి ఇందులో మొత్తం ఆర్గనైజర్ ప్రేమ, రాకేష్, ఆ తర్వాత సంగీత, అప్సానా, అంకిత్, పివి రావు వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసాము. इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।